नौकरी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में नई याचिका दायर की गई है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, 16 छात्रों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। याचिका में नीट काउंसलिंग पर रोक लगाने की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट से मेडिकल कॉलेज में एडमिशन प्रक्रिया पर रोक की मांग जो है वो भी की गई है। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, एक नई याचिका जो है इसको लेकर दायर की गई है। नीट काउंसलिंग पर रोक लगाने की मांग से जुड़ी हुई ये पूरी की पूरी याचिका है, जिसका जिक्र हम यहाँ पर कर रहे हैं। लगातार प्रदर्शन इसको लेकर उठता हुआ। मेरे साथ सालिम है, दिल्ली के रहने वाले हैं, दिल्ली में पढ़ाई कर रहे थे और इनके 720 में से 660 तो काफी अच्छा इन्होंने स्कोर किया है। लेकिन रैंक क्या आई आपकी? रैंक 22,000 रैंक आई है मेरी। तो अगर ये जो पूरा आपको पता लगा कि इस पूरे मामले में ग्रेस मार्क दिए, अगर ना दिए गए होते तो आपकी रैंक शायद बहुत बेहतर होती और होती 5,000 के अराउंड में होती, 4,000 से 5,000, बिकॉज लास्ट टाइम भी इतने मार्क्स पे 3,000 से कम रैंक थी। अच्छा, 2700 के करीब रैंक थी। तो इससे आपको क्या नुकसान हुआ फिर, अगर इस तरह से ग्रेस मार्क दिया गया? ग्रेस मार्क से नुकसान ये हुआ है, रैंक तो ऊपर गई गई है हमारी, और साथ में जो हम टॉप मेडिकल कॉलेज में जा सकते थे वो मेडिकल कॉलेज हमें अब नहीं मिल सकते किसी भी हाल में। और